हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल, फीमेल, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज देर रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहले क्रिएटिविटी की एनर्जी निकल कर आ रही है। पॉलिटिक्स, ओके, पोस्टपोनमेंट, फ्रेंडलीनेस, प्रोजेक्शन, द फूल, बर्डन एंड बॉटम में वी हैव पास्ट लाइफ। ओके, यस ऑफ कोर्स, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके जोरेक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ठीक है, और भी कार्ड्स आएंगे और भी जोरेक साइंस तब निकल कर आएंगे। फिलहाल जो जोरियक साइंस मैं यहाँ पर देख रही हूँ मैंने आपको बता दिए हैं। आपने रीडिंग से कनेक्ट होने की वैसे भी कोशिश कर रही है। ठीक है, आपने मतलब जोरियक साइंस तो अभी और भी निकल कर आएंगे। ओके, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करते हैं, देखते हैं क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। मे बी जस्ट ओके जस्टिस क्रिएटिविटी मतलब क्या चीज दिखाते हैं? क्रिएटिविटी दिखाते हैं कि मे बी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंडसेट के हैं। ठीक है, ओपन माइंडसेट के पर्सन हो सकते हैं ये। एंड ये जो पर्सन है किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, या कुछ इनके अंदर क्रिएटिविटी कुछ डेफिनेटली है, टैलेंट बहुत अच्छा आपके पार्टनर में बेसिकली। ओके, और ये अपने जो भी अर्निंग कर रहे हैं ना, मे बी अपनी क्रिएटिविटी की बेसिस पर कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इनका कोई साइड में कोई टैलेंट हो सकता है, ठीक है, जिसको ये एम्ब्रेस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बट फिलहाल क्रिएटिविटी की एनर्जी को जस्टिस की एनर्जी भी क्लैरिफाई कर रही है, तो मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर आपके साथ देखो जस्टिस तो नहीं हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है। अब देखो धोखे का हमेशा मतलब ये तो नहीं होता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए, किसी और के साथ अफेयर कर लिया, नहीं, धोखे का मतलब हमेशा ये नहीं होता। धोखे का मतलब ये भी होता है कि आपसे झूठ बोला, आपसे कोई सच्चाई छुपाई, ठीक है, या फिर आपको वो प्यार, वो दर्जा नहीं दिया जिसकी आप हकदार हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ है। अब किसी भी तरीके से धोखा हुआ हो सकता है, ठीक है, आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो सकता है इन्होंने आपको मैनिपुलेट करा, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है। ठीक है, और ये हमेशा आपके ऊपर अपना एक कंट्रोल जमाए रहना चाहते थे, बेसिकली वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट अभी मैं क्या देख रही हूं ना, अभी आपके पार्टनर के अंदर ना वो करेज ही नहीं है, वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। देखो उन्हें रियलाइज हो चुका है कि उन्होंने आपके साथ गलत करा है, आपको धोखा दिया है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर अभी भी वो करेज नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आपके सामने आकर आपसे माफी मांगे, आपको आकर सॉरी बोले। ये आपको देखते हैं, आपको उस एनर्जी में देखते हैं जहां पर आप पास्ट के ग्रजेस नहीं रखते हो, आप बहुत फॉरगिविंग नेचर के हो, हम्बल हो, काइंड हार्टेड पर्सन हो। ठीक है, लेकिन फिर भी ये पर्सन ना आकर आपसे माफी नहीं मांग पा रहे। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर वो करेज ही नहीं है, ये खुद से एम्बेरस फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये गलत थे। ओके, इस रिलेशनशिप में ये गलत है, इनकी गलती की वजह से आज ये रिश्ता यहाँ खराब हुआ है। तो इस चीज को आपके पार्टनर रियलाइज कर पा रहे हैं, और इनके अंदर ना वो करेज ही नहीं है कि आकर आपसे माफी मांग सके, आपको आकर जस्टिस दे सके। एंड यू नीड जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए, आपको इस पर्सन से चाहिए कि पर्सन आए और आकर आपको जस्टिस दें, आपके साथ न्याय करें। ओके, सो उस एनर्जी में मुझे स्पेशली
यहाँ पर आपके पार्टनर दिख रहे हैं, दिखते हैं पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स बताएं। ओके, हमें सिर्फ वन कार्ड चाहिए, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें पॉलिटिक्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। सी क्वीन ऑफ कप्स, पॉलिटिक्स तो खेली है आपके पार्टनर में, काफी स्मार्ट आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रांग, मैंने कहा ना ये स्ट्रांग मैनिपुलेटर है, स्ट्रांग मैनिपुलेटर। अब इनकी क्या एनर्जी है ना, इनके अंदर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ने बहुत गहराई में जाकर इन फीलिंग्स को ना दबा दिया है, आपके प्यार को दबा दिया है इन्होंने, ठीक है, अपने दिल की कहीं गहराइयों में जाकर। मतलब जैसे ये ऐसी एनर्जी है जहां पर लेयर्स चढ़ी हुई है ना अपने, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ लेयर्स पे लेयर्स चढ़ी हुई है, इतनी गहराई में जाकर इन्होंने अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को ऐसे दबा दी है अपने अंदर कि मतलब अगर कोई पर्सन, कोई शख्स इनसे बात भी करेगा ना तो वो नहीं देख पाएगा कि इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं या आपके लिए इमोशंस आज भी हैं। आप भी अगर इनको देखते हो ना तो आपको इनकी तरफ से कोल्ड और न्यूट्रल बिहेवियर देखने को मिलता है, आप भी नहीं देख पा रहे हो कि हाँ इस पर्सन में आज भी प्यार है, फीलिंग्स हैं आपके लिए, आप भी नहीं देख पा रहे हो उस चीज को लेकर। ये रीजन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि देखो ये पर्सन ना एक्सप्रेसिव भी नहीं है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हो सकता है आप बहुत एक्सप्रेसिव हो। अच्छा, ऐसा भी यहाँ पर है कि आप दोनों बहुत ही अपोजिट पर्सनालिटी हो, अपोजिट पर्सनालिटी होने का मतलब है कि आप जो हो बहुत जॉली नेचर के हो, बहुत बहुत फन लविंग हो, एक्सप्रेस कर लेते हो अपनी चीजों को, ठीक है, और आपके पार्टनर थोड़े गुस्से वाले लोगों में से हैं, अपनी चीजों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो चीज मैं देख रही हूँ जहां पर आप दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अपोजिट है। और यहाँ पर यही होता है ना कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, शायद आप दोनों इतने अपोजिट हो इसलिए आप दोनों एक दूसरे की तरफ हाई अट्रैक्शन भी फील करते हो, ठीक है, तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो यस, काफी स्मार्ट रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत पॉलिटिक्स खेली है इन्होंने, बहुत मैनिपुलेट करा है आपको, ठीक है, एंड यस, ये उस चीज के लिए इन्हें रिग्रेट भी होता है, नहीं वो चीजें याद आ रही हैं, लिटरली आज उस एनर्जी में है जहां पर ये याद कर पा रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली, आपके साथ गलत करा और आपको दुख पहुंचाया, आपको तकलीफ दी है। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, मून की एनर्जी को क्लैरिफाई करा। अब देखो यहाँ पर ना मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आप दोनों के बीच में जो इश्यूज आए हैं उसका रीजन फैमिली हो सकती है, ठीक है, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ा, आपसे दूर गए, उसका रीजन इनकी फैमिली है ना, मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं स्पेशली कास्ट या रिलीजन को लेकर, ठीक है, जो इन्हें पता था कि इनकी फैमिली, इनके रिश्तेदार लोग एक्सेप्ट, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, ठीक है, तो ये चीज आपके पार्टनर को पूरे तरीके से मालूम थी। और अगर इन्होंने अपनी फैमिली से बात भी करी ना इस रिलेशनशिप के बारे में, तो इनकी फैमिली ने पूरे तरीके से इनकार कर दिया, पूरे तरीके से ना ही कर दिया इस रिश्ते को लेकर, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी फैमिली नहीं चाहती थी, ये चीज बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप दोनों का रिश्ता आगे बने, तो वो चीज की वजह से कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा। अब यहां पर मैं एक चीज और देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपको इनके ऊपर ना बहुत डाउट्स है, बहुत डाउट है, आप इनको बहुत गलत समझते हो, लेकिन पता है यहां पर मैं आपकी एनर्जी भी ऐसे देख रही हूँ जहां पर आप इनकी साइड की पूरी स्टोरी भी नहीं जानते हो, ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि आप इनकी साइड की ना पूरी स्टोरी नहीं जानते हो कि इनकी साइड की पूरी स्टोरी क्या है, पहले इनकी साइड की स्टोरी तो समझो, देखो क्या है, क्यों इन्होंने आपसे बात बंद करी है, ठीक है, आप पहले ही इन्हें गलत समझ रहे हो, आप पहले ही ये सोचकर बैठ गए हो कि नहीं ये पर्सन तो मुझसे प्यार ही नहीं करता है, ये पर्सन तो मेरे पास वापस आना ही नहीं चाहता है, आना चाहता होता तो अब तक एफर्ट्स डालता, ठीक है, लेकिन आप इनकी साइड की पूरी स्टोरी नहीं जानते हो ना, हो सकता है इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस है इनकी फैमिली की तरफ से, हो सकता है इनके ऊपर कोई प्रेशर है इनकी फैमिली की तरफ से जो ये नहीं आ पा रहे हैं, हो सकता है ये बैकग्राउंड में कोई एफर्ट्स डाल रहे हैं, ऑलरेडी ये बैकग्राउंड में एफर्ट्स डाल रहे हैं कि ये अपनी फैमिली को मना सके इस रिश्ते के लिए, है ना, ये आपके साथ कोई फेक प्रोमिसेस अब नहीं करना चाहते हैं। हाँ पास्ट में ये पॉलिटिक्स खेली है इन्होंने, मैं ये चीज देख पा रही हूँ, इमोशंस भी है, लेकिन इमेंस प्यार है, इमेंस लव आपके पार्टनर के अंदर मैं देख रही हूँ, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये किसी तरीके के तो रिस्ट्रिक्शंस में है, ठीक है, कोई ना कोई प्रेशर है और आप इनकी साइड की पूरी चीज नहीं जानते हो अभी भी, ओके, इस वजह से पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, यानी इसी वजह से ये पर्सन इतना डीले कर रहे हैं कोई भी एक्शंस, कोई भी एफर्ट्स लेने में, क्योंकि ये किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस में, अपने आप को बाउंड्रीज में देख रहे हैं ये पर्सन, ओके, और ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो आपकी तरफ आने का मतलब ये भी तो होगा ना कि वो उन्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा,
और हर किसी के लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना इजी तो नहीं होता है ना। आफ्टर ऑल फैमिली के अगेंस्ट जाना हर किसी के लिए इजी नहीं होता। देखते हैं फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों आ रही है। जजमेंट, आपके साथ इनका बहुत ही गहरा बॉन्ड रहा है, यानी आपके साथ बहुत कंफर्टेबल ये पर्सन रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपसे ये हर चीज शेयर करा करते थे, अपनी अच्छी बातें बुरी बातें। इन्हें पता है कि आप इनको सुनोगे और वो भी विदाउट एनी जजमेंट, यानी आप इनको कोई जजमेंट आप इनके लिए नहीं पालोगे, आपके दिल में कोई जजमेंट नहीं आएगी कि भाई ये ऐसा है ये वैसा है, इसने ऐसा करा इसने वैसा करा, तो आपके अंदर कोई जजमेंट नहीं आएगी। तो आप विदाउट एनी जजमेंट आप इनकी बातों को सुनते थे, ठीक है। एंड यस, आप इन्हें पूरा मतलब आपके साथ एक पूरा कंफर्ट जोन इनको फील हुआ है, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रही भी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में आने से पहले आप लोग फ्रेंड्स थे, है ना, आप दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी, उसके बाद आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हुई, तो ऐसा भी तो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। तो यस, ये पर्सन उस बॉन्ड को बहुत मिस करते हैं जो आपके साथ था, उस केमिस्ट्री को मिस करते हैं जो आपके साथ ये फील करते आए हैं। प्रोजेक्शन की एनर्जी क्यों है, प्रोजेक्शन की एनर्जी विद एस ऑफ कप। लुक, खुद देखिए, आप दोनों की फीलिंग्स बहुत ही म्यूचुअल है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत प्यार फील करते हो, लेकिन इस समय आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही कोल्ड और न्यूट्रल बिहेवियर दिखा रहे हो, ये उस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। जहां पर आप दोनों बहुत प्यार फील करते हो एक दूसरे के लिए, लेकिन एक दूसरे को वो प्यार वो फीलिंग्स दिखा नहीं रहे हो, शो नहीं कर रहे हो। यू नो वट, आप भी कहीं ना कहीं उस एनर्जी में हो जहां पर आप पता क्या सोचते हो, आपको चाहिए कि आप अपना एक डिसीजन ले लेना चाहते हो, आप मूव ऑन करने का डिसीजन लेते हो, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों नजर आ रहे हो, ठीक है। आपको लगता है कि अब कुछ हो तो रहा नहीं है इस कनेक्शन में, काफी लंबे समय हो चुका है जहां पर आप दोनों एक दूसरे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, या फिर आप दोनों एक दूसरे को बहुत कोल्ड और न्यूट्रल बिहेवियर काफी समय से दिखा रहे हो, तो अब आप ना मूव ऑन करना चाहते हो। आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद आप दोनों ट्विन फ्लेम नहीं हो, या शायद अब ये पर्सन कभी वापस नहीं आने वाला है, ठीक है, और आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, तो आप एक फाइनल डिसीजन ले लेना चाहते हो मूव ऑन करने का, है ना। तो आप उस एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो। आप ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हो, आप ऐसा डिसीजन इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप काफी हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, यू आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो इस पर्सन से। आपको लगता है कि यार ये पर्सन अब तक तो इसे एक्शन ले लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं ले रहा है, तो वो चीज आपको ये डिसीजन लेने पर ये चीज आपको मजबूर कर रही है, ठीक है। द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, फूल रीयूनियन रीबिगनिंग को दिखाता है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है, साथ ही टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पर पता है मुझे क्या चीज नजर आ रही है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखो आप दोनों को ना कहीं एक हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। कई बार ना देखो आपने ना बहुत इनर वर्क कर लिया, ठीक है, आपने मेडिटेशंस कर ली, सेल्फ लव कर लिया, ठीक है, आपने इन्हें कोल्ड न्यूट्रल बिहेवियर दिखाकर देख लिया, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। एंड मे बी आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को मोर देन 10 मंथ्स हो चुके हैं, 10 मंथ से ज्यादा टाइम आप दोनों को हो चुका है, ठीक है, कि आप दोनों सेपरेटेड हो, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए 10 वीक्स भी हो सकते हैं, ओके। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप लिटरली आपके अंदर ना एक आप थोड़े इम्पल्सिव नेचर के हो, आपके अंदर एक जल्दबाजी भी है कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए, आपको ये रीयूनियन चाहिए, राइट। तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर ना वो जल्दबाजी भी मैं देख रही हूँ जहां पर आपको अब रीयूनियन चाहिए, ठीक है। आप भी ये डिसाइड करके बैठे हो, आप इसे चाहते बहुत हो, आप अपनी फीलिंग्स को मार नहीं सकते बिल्कुल भी, आपके दिल में इनको लेकर बहुत फीलिंग्स है, ठीक है। अगर आप ये डिसीजन भी ले रहे हो ना मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का, तो आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, आप उस एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है, आपसे मूव ऑन भी नहीं करा जा रहा है, तो दैट इज व्हाट यू आर, ओके। बट ये पर्सन जो आपके पार्टनर है, आप देख रहे हो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये पर्सन बहुत ही प्राउडी है, ठीक है, बहुत ही अच्छा। मैं जहां तक इनका बैकग्राउंड देख पा रही हूँ, ठीक है, यानी मे बी इन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, यानी इनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस हैं आपके पार्टनर के, और मतलब लग्जरी है इनके पास, ठीक है, या फिर ऐसा भी है कि जो ये चाहते हैं ना वो ये खरीद लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, और मे बी आप उन लोगों में से हो जो इनके स्टेटस को भी मैच नहीं करते हो, ठीक है। हो सकता है आप
ये अपर क्लास के हैं और आप मिडिल क्लास के हो, तो इस तरीके का स्टेटस वाइज डिफरेंस आप दोनों के बीच में, तो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ जिस वजह से इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है, ओके जिस वजह से मे बी इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है। और आज पता है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें अब अपनी फैमिली को फिर से मनाना है, फिर से एग्री करना है, क्योंकि आप जैसे जैसे ये डिसीजन ले रहे हो ना मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का, आपके पार्टनर एक जिद में आते जा रहे हैं वैसे वैसे, ठीक है। वो ये डिसीजन ले रहे हैं कि उन्हें आपके पास वापस आना है, ठीक है, किसी कुछ भी कर कर उन्हें आपके पास वापस आना है, कुछ भी कर कर उनको अब रीयूनियन चाहिए, ओके कुछ भी कर कर अब वो बस आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर आपके अंदर कोई डाउट्स हैं, अगर आपके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो वो पर्सन उन चीजों को क्लियर भी करना चाहते हैं, ओके सो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देख रही हूँ। और ये भी सोच रहे हैं कि अब इन्हें फिर से ट्राई करना चाहिए अपनी फैमिली को मनाने का, अपनी फैमिली को एग्री करने का। देखते हैं बर्डन की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। सो बर्डन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स, ओके देख रहे हो आप कितनी जल्दी है इस पर्सन को आपके पास आने की। यस अब इनको देखो, इनके एक्शंस आएंगे बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पर आएंगे, राइट टाइम पर आएंगे, जब इनके एक्शंस लेने चाहिए तब आएंगे, ठीक है। और देखो हर किसी का डिवाइन टाइमिंग अलग अलग हो सकता है, हर किसी का सेपरेशन पीरियड अलग है ना, मानते हो इस चीज को, तो हर किसी का आप सबका डिवाइन टाइमिंग भी अलग हो सकता है। तो अब ये पर्सन आएंगे और जरूर आएंगे, बट अपने डिवाइन टाइमिंग पर आएंगे, अपने राइट टाइम पर आएंगे, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। गॉट इट। अभी ये पर्सन मुझे किसी तरीके के तो बर्डन में नजर आ रहे हैं, यानी ये आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बर्डन है, अपनी फैमिली का बर्डन हो सकता है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, और इनको बहुत चीजें हैं जो और भी सोचनी, ठीक है। देखो सिर्फ लाइफ में प्यार तो नहीं होता है ना, फाइनेंसेस भी होते हैं, फैमिली भी होती है, तो इनको उन सब चीजों के बारे में भी तो सोचना पड़ रहा है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आप अनमैरिड हो, तो इनकी फैमिली है, ठीक है, वाइफ है, हस्बैंड है या बच्चे हैं, तो इनको उनके बारे में भी सोचना पड़ा है। तो यस इनके दिमाग में ना बहुत थॉट्स हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं जिनके बारे में इनको सोचना पड़ता है, ठीक है। तो आप जितना इजी समझ रहे हो ना इस पर्सन का आना, ये उतना इजी नहीं है, उतना इजी बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है। तो इनको थोड़ा समय देने की जरूरत है, तो आपको इन्हें थोड़ा सा समय देना चाहिए ताकि ये पर्सन हील हो सके। इनको भी इनर वर्क की जरूरत है, ये भी अंदर से अनहील्ड है आपके पार्टनर, ठीक है, इनको भी थोड़ा इनर वर्क की जरूरत है। और जब तक ये अपने इनर वर्क को कंप्लीट नहीं करते हैं, जब तक ये सेल्फ लव नहीं करते हैं, खुद हील नहीं हो जाते हैं, तब तक ये आपके पास कैसे आएंगे। तो अभी भी मुझे अब ये पार्टनर बर्डन और प्रेशर में नजर आ रहे हैं, पास्ट लाइफ, ओके सो दिस इज नाइन ऑफ सोल्स। पता है आपके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, इनको रातों को नींद नहीं आती, आज रात भी ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। इनके साथ ये होता है पूरी पूरी रात ही आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं, इनके साथ ऐसा होता है। क्योंकि ये ना मतलब बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, कि हाईली ऑब्सेस्ड मुझे आपके लिए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कभी फैसला नहीं करा था आपसे मूव ऑन करने का, इन्होंने भी पास्ट में फैसला करा था आपसे मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का, किसी और का सहारा भी लिया इन्होंने, ऐसा भी हो सकता है, ये मैं सबके लिए नहीं कह रही हूं, ठीक है, लेकिन इन्होंने भी सहारा लिया है किसी और का, ठीक है, मतलब किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करी है, फ्लर्ट करने की कोशिश करी है, इधर उधर लोगों से बात करने की कोशिश करी है, ठीक है। लेकिन ये ना इस चीज को आप समझ चुके हैं कि कोई फायदा नहीं है उन चीजों का, ठीक है, ये मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे थे ना, तो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। और अगर इन्होंने किसी और का सहारा लेने की कोशिश करी ना, तो बार बार उस शख्स को ये आपसे कंपेयर करते थे, ये बार बार उस शख्स को आपसे कंपेयर करते थे। ये पता है क्या सोचते थे, जब वो शख्स इन्हें केयर दिखा रहा होता था या वो शख्स इन्हें प्यार कर रहा होता ना, तो ये पर्सन यही सोचते थे कि आपका प्यार, आपकी केयर कैसी थी। तो ये इस चीज को भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आप जितना प्यार, आप जितनी केयर, इनको कोई नहीं कर सकता। इनको अगर आप प्यार चाहिए ना, तो सिर्फ आपका, ठीक है, इनको जो चीज पीस दे सकती है, पीस ऑफ माइंड जो चीज इनको दे सकती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार है, ओके सो यस इनको ये चीज भी रियलाइज हो चुकी है कि आप जैसा अच्छा शख्स इन्हें कहीं और नहीं मिल सकता। और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी ये पर्सन इस चीज को भी समझ चुके हैं कि मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और शायद आप भी इस चीज को अच्छे से जानते हो कि आप भी मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप लोगों का है, आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आई डोंट नो, बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर पास्ट लाइफ में, यानी प्रीवियस बर्थ में, यानी आप लोगों का इनकार्नेशन हुआ है,
आप लोग अगर इस चीज को लेकर कंफर्म हो ना कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे को लेकर, तो पास्ट लाइफ आपका कनेक्शन था, ठीक है, और पास्ट लाइफ में भी आप दोनों एक दूसरे से मिले थे, वहां पर भी आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था, बहुत गहरा प्यार था, और शायद इसीलिए इस बर्थ में भी आपको इतना गहरा प्यार इस पर्सन के साथ महसूस होता है। यू नो, मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लिटरली ऐसी एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से मिले ना जब, ठीक है, तो थोड़े ही समय में आप दोनों एक दूसरे को जान गए, बहुत अच्छे से जान गए, अपनापन आपको महसूस होने लगा, जबकि बहुत जल्दी आप हर किसी को देखकर अपनापन आपको महसूस नहीं होता है, ना ही आपके पार्टनर को, ठीक है, लेकिन जब आप इस शख्स से मिले ना, अपने पार्टनर से मिले, तो आपको एक अपनापन महसूस हुआ, बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे को जान गए, घुल मिल गए एक दूसरे के साथ, बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। ये सब क्यों हुआ आपके साथ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आप दोनों की सोल्स तो एक दूसरे को हमेशा से जानती थी, ठीक है, ये इसलिए हुआ क्योंकि आप दोनों की सोल्स एक दूसरे को जानती थी, इसलिए आप लोग थोड़े ही समय में एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ गए थे, बहुत अच्छा बॉन्ड आप दोनों का क्रिएट हो गया था। ओके, सो ये एनर्जीज हैं। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, क्वीन ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन। कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है गाइज आपकी लाइफ में, बिकॉज आई फील दैट। दिस इज थ्री ऑफ वैंड, एट ऑफ सोड्स, नाइट ऑफ सोड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ सोड। ओके माई गॉड, सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये एनर्जी देख रही हूँ कि कुछ तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपकी तरफ ना कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपकी तरफ स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है, मतलब कोई सक्सेस आपको मिलने वाली है, ठीक है, ये सबके लिए, एवरी वन, ठीक है, मतलब कोई तो सक्सेस आपके हाथ में ऐसे आने वाली है जो आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ा देगी, जो आपको हैप्पी कर देगी, ठीक है, आपके ऑरा को और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा स्ट्रांग बना देगी, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस जो आपकी तरफ आ रही है। ओके, एंड यस, और ऐसी सिचुएशन में पता क्या होने वाला है, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रमोशन हो सकता है, सैलरी में कोई हाइक हो सकता है, किसी तरीके का अप्रिसिएशन हो सकता है आपको मिले, ठीक है, कोई अवार्ड आपको मिले, या कुछ कुछ भी रिकॉग्निशन, किसी तरीके का रिकॉग्निशन हो सकता है आपको मिले, ठीक है, बिजनेस में हो तो हो सकता है कुछ एक्सपेंशन करो आप अपने बिजनेस में, तो बट मैं देख रही हूँ कि कुछ तो आपकी लाइफ में कोई सक्सेस आने वाली है विच विल गिव यू इमेंस स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत कॉन्फिडेंस आपके पास आने वाला है, आपके ऑरा को और ज्यादा मजबूत कर देगी ये चीज। एंड बट क्या होगा ना, अब ये जब सक्सेस आपके हाथ में आएगी ना, तो आपको अपना पास्ट खींचेगा, आपके साथ ये चीज हो सकती है कि आपके पास्ट आपको खींचे, आपको पास्ट में वो लोग याद आएंगे, जैसे अपना पार्टनर याद आएगा जो आपको छोड़कर गया है, ठीक है, या पास्ट की कुछ मेमोरीज आपको याद आएंगी जो आपको डाउन फील करवाएंगी, ठीक है, थोड़ा सा डाउन फील करवाएंगी, बट आपने क्या करना है, आपने प्रेजेंट में रहना है, सो इस चीज का आपने थोड़ा ध्यान रखना है। आई डोंट नो किन लोगों के लिए ये गाइडेंस निकल कर आई है, बट आई कैन सी इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस कॉन्फिडेंस आपके पास आ रहा है, ठीक है, सो जस्ट उसे अभी के अभी क्लेम करो, ठीक है, ये जनरल चीज है, रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है, बट मैं लिटरली इस कार्ड को जो है स्प्रेड करते हुए ये चीज फील कर पा रही थी, तो लिटरली आप सबके लिए चीजें हैं। ओके, चलिए, ओके, सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ फाइव ऑफ पेंटिकल्स विद क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, सो यहाँ पर इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आई डोंट नो, बट आपके पार्टनर का हो सकता है जो नेम लेटर है एम एस, या फिर उनका कोई निक नेम हो सकता है, एफ से स्टार्ट हो सकता है, के से स्टार्ट हो सकता है, जी से स्टार्ट हो सकता है, जी जी फॉर गन, राइट, जी से स्टार्ट हो सकता है, एंड एच लेटर बहुत ज्यादा मेरे माइंड में आ रहा है, आई डोंट नो, ये लेटर्स एकदम से मेरे माइंड में आए हैं, सो आई थॉट कि मैं आपको बताऊं। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, ए लेटर भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक यहाँ पर है, ए, ओके, हो सकता है लेटर अगर नहीं भी स्टार्ट हो रहा है आपके पार्टनर का नाम, हो सकता है लेटर्स आपके पार्टनर के नेम में आते हो, ओके, सो दिस इज फाइव ऑफ पेंटिकल विद क्वीन ऑफ वैंड्स। मैं यहाँ पर ऐसे एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर नाम
मैंने कहा ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर कर बैठे हुए हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा अपने अंदर इन्होंने ना ऐसे दबा दिया अपनी फीलिंग्स को, लेकिन अब समय आ चुका है कि अपनी उन फीलिंग्स को ना ये बाहर निकाले। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये पर्सन ना आपके दूर जाने के बाद से, जब से आप इनसे दूर गए हो, जब से आप इनसे अलग हुए हो, ये पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स। और अब क्या हो रहा है ना, ये पर्सन जो है ना वापस आना चाहते हैं आपके पास। उनको लिटरली पता है क्या फील हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि जो भी उनके साथ गलत हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बैड कर्मा करके आए हैं आपके साथ, ठीक है। इन्होंने आपका जो दिल दुखाया ना, शायद उसी की सजा इनको मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको किसी तरीके का हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ा है, ओके। बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये पर्सन पता है क्या चीज कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ ना एक अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। ये ना याद आ रही है इनको, ये सब चीजें याद आ रही हैं, आपने कितना कुछ इनके लिए करा, यू नो, आपने इनको प्यार दिया, आपने इनको केयर दी है, आपने इनको कितना सपोर्ट करा है हर चीज में, एवरीथिंग, हर चीज में आपने इनको कितना सपोर्ट करा है। और इनको वो सब चीजें याद आ रही हैं, आपकी लव की प्योरिटी को अब ये देख पा रहे हैं, यानी आपका लव कितना प्योर था, कितना अनकंडीशनल था, ये वो चीजें देख पा रहे हैं। और अब ये भी कहीं ना कहीं चाहते हैं आपसे अनकंडीशनल लव करना, यानी इनकी भी हायर सेल्फ, द हैंड मैन की एनर्जी निकल कर आई है, यानी इनके भी हायर सेल्फ जो है ना, वो उनको कह रही है कि भाई अब उन्हें अनकंडीशनल लव आपको देना है। अनकंडीशनल लव का मतलब क्या होता है, यानी जिस प्यार में कोई कंडीशन ना हो, जिस प्यार की कोई बाउंड्रीज ना हो, ऐसा प्यार उन्हें आपको देना है, ठीक है। जहां पर अब वो आपसे इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे बिना ये सोचे, प्यार तब करा जाता है ना बिना ये सोचे कि सामने वाला आपसे प्यार करता है या नहीं करता है ना। तो इनके अंदर वो अनकंडीशनल लव आपके लिए डेवलप होता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। विच इज वेरी, मतलब वेरी पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, बिकॉज ये पर्सन अब आपसे प्यार करेंगे, और बिल्कुल ऐसा प्यार जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसा प्यार आप जो अनकंडीशनल होगा, जिस प्यार की कोई कंडीशंस नहीं होगी, ठीक है। आपको बिल्कुल ऑनेस्ट और ट्रू लव ये पर्सन अब देना चाहता है, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि इनको ना आपके प्यार की प्योरिटी दिख चुकी है, इनको दिख चुका है कि आपका प्यार कितना प्योर है ना। और आपके प्यार को कभी ये अप्रिशिएट भी नहीं कर पाए, तो यस, ये पर्सन अब आपको अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं। जैसे जैसे इस पर्सन की हीलिंग होगी ना, वैसे वैसे ये पर्सन आप देखोगे कि ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपकी तरफ एक्शंस लेना स्टार्ट करेंगे, आपकी तरफ इनिशिएटिव्स लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो भी बाउंड्रीज में है ना, अभी भी मैंने कहा ना, ये बाउंड्रीज, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रेशर इनके ऊपर हो सकता है। जैसे जैसे ये पर्सन की हीलिंग होगी ना, ये अपनी उन बाउंड्रीज से भी बाहर निकलेंगे। स्टॉक कर रहे हैं ये पर्सन आजकल आपको, नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी निकल कर आई है। बहुत हो सकता है आप सोशल मीडिया के थ्रू या तो ज्यादा कनेक्टेड रहे हो, कुछ लोगों का तो ऐसा हो सकता है जहां पर आप दोनों एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं हो, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों कनेक्टेड रहे हो, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आप दोनों के बीच में हो सकता है। और कुछ लोगों का ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जहां पर आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है या एक पर्सन कमिटेड है, ठीक है, और एक पर्सन सिंगल है। ये उस तरीके की एनर्जी भी देखने को मिल रही है। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये कोई फेक आईडी बनाकर, ठीक है, जिसमें किसी और की पिक्चर डाल देंगे, कोई और नाम रख के कोई फेक आईडी बनाकर ये आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। आपको फील हो जाएगी ये चीज, ठीक है, हो सकता है कर भी रहे हो आपसे बात, और आपको लिटरली फील हो जाएगी ये चीज कि हाँ, ये एकदम अननोन नंबर से हाय या हेलो का मैसेज कैसे आ गया आपको, ठीक है, या अननोन नंबर ने आपको फॉलो कैसे कर लिया, किसी अननोन पर्सन ने आपको फॉलो कैसे कर लिया, ठीक है। तो आपको लिटरली आपके दिमाग में ना ये चीज आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर देखती हूँ ये किसी फेक आईडी से हो सकता है कि आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। ये फेक आईडी से क्यों आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ये फेक आईडी से आपसे इसलिए कॉन्टैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये ना जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है, ओके, आपके दिल में इनके लिए क्या है, ये जानना चाहते हैं वो चीजें, ठीक है। ये जानना चाहते हैं कि आप किसी और में इंटरेस्ट दिखाते हो या नहीं दिखाते हो, या ऐसा हो सकता है कि ये जानना चाहते हैं कि आप आगे मूव ऑन कर चुके हो या नहीं कर चुके हो, आप खुश हो इनके बिना या नहीं, अभी भी आपने मूव ऑन नहीं करा है। तो ये सब चीजें ये पर्सन जानना चाहते हैं, शायद इसलिए ये फेक आईडी बनाकर आपको स्टॉक करेंगे। और जब इनको पूरे तरीके से साइन मिल जाएगा ना कि हाँ, अभी तक आपने मूव ऑन नहीं करा है, अभी भी आप इनको याद करते हो, मिस करते हो, तो ये पर्सन उसके बाद डायरेक्टली आपको अप्रोच भी करेंगे,
ओके सो ऐसी एनर्जी में आप देख रही हूँ, आप देख रहे हो ना स्ट्रेंथ आ रही है आपके पार्टनर में भी, ठीक है। अभी तक जो इस पर्सन में स्ट्रेंथ नहीं थी, बहुत एम्बेरस फील करते थे कि हाँ कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपसे बात करें, ठीक है, कैसे चीजों को सॉल्व करें, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। ये अपनी वो हिचकिचाहट, वो एम्बेरसमेंट जो है वो हटाकर ये पर्सन आपको अप्रोच भी करना चाहेंगे। इन्होंने अगर आपको क्लैरिटी भी नहीं दी ना, एस ऑफ सोच की एनर्जी है, तो यस ये आपको क्लैरिटी देंगे। आपको अगर इन्होंने कुछ हाइड करा आपसे, कुछ छुपाया है ना, अब आपको वो सब चीजें आपके सामने आएंगी, वक्त रहते वो सब चीजें आपके सामने आने वाली है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड और बताए मेरे व्यूअर्स को इस सॉरी ओके लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड व्हाट्स हैपनिंग, आई एम सॉरी गाइस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव टू कार्ड, सबसे पहले यहाँ पर है द वर्ल्ड, वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स, दिस इज एस ऑफ कप्स, ओके, टावर, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो दिस इज टेन ऑफ वैंड्स। काफी ज्यादा मतलब मुझे ऐसे दिख रहा है ये पर्सन गिल्ट की एनर्जी में है, ओके, एस ऑफ वैंड, ग्रेट, लुक। तो मैं यहां पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, देखो इन्होंने गलत तो करा है आपके साथ, चीटिंग हुई है, धोखा दिया है आपको, है ना, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक्चुअली में चले गए हैं, ठीक है, आपको धोखा देकर, एंड आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत टफ था, बहुत टफ टाइम पीरियड आपने देखा है, जबकि आपने इस पर्सन के लिए क्या कुछ नहीं करा, मतलब इतना कुछ सैक्रिफाइस करने के बाद भी आपको लगता है कि आपके हाथ में क्या आया, कुछ भी नहीं है ना, आपको लिटरली ये चीज फील होती है। बट आपके पार्टनर क्या है ना, वो ये सब कुछ कर आज बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने वाले हैं, आज रात स्पेशली उनकी एनर्जी ऐसे रहने वाली है जहां पर बहुत गिल्टी फील करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है, उनको बहुत पछतावा होगा कि वो क्या कुछ करके आए हैं, उन्होंने कितना गलत आपके साथ कर दिया, ओके, सो यस ये पर्सन हाई लेवल पर पछतावे की एनर्जी है, गिल्ट की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। इनके साथ पता क्या चीज हो रहा है, ये पर्सन के दिमाग में ना हर समय आप ही घूमते रहते हो, ठीक है, ये आपके बारे में ही हर समय सोचते रहते हैं, चाहे कितना ही वर्क में बिजी क्यों ना हो, कुछ भी काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी इनके दिल दिमाग में जैसे आप ही घूमते रहते हो, ठीक है, कैसे चीजों को नॉर्मल करना है, कैसे चीजों को सही करना है, ये इस बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, ठीक है, ये सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या एक्सक्यूज लें आपसे बात करने का, ठीक है, क्या रीजन ढूंढे आपसे बात करने का, तो इस बारे में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये आपके लिए कुछ स्पेशल भी करना चाहते हैं, इन्हें पता है ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, हायर कमिटमेंट देना चाहते हैं ये पर्सन आपको, लाइक अप ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या हो सकता है ये आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, यस ये पर्सन आपके साथ परमानेंट यूनियन करना चाहते हैं, जिस एश्योरेंस का आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे ये पर्सन अब आपको वो एश्योरेंस भी देना चाहते हैं। लेकिन पता है ये पर्सन क्या सोचते हैं, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि क्या अभी वो सही समय है कि आपको ये सब चीजें दी जाए, ठीक है, क्या आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर ये आपको ऑफर करेंगे कुछ तो आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, ठीक है, तो ये आपको ऑफर तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, इनके बहुत बहुत चीजें हैं इनके माइंड में, लेकिन ये डरते तो इस चीज के लिए कि कहीं आप उस ऑफर को रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप इनको ही रिजेक्ट ना कर दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इनसे बात ही ना करो, है ना, क्योंकि ये बहुत मतलब ऐसा आपके साथ करके गए ना कि अब आप इन्हें एक झूठा इंसान की तरह आप देखते हो, फेक पर्सन की तरह देखते हो, और आप इन पर यकीन भी अब नहीं करते हो, ठीक है, तो इनको पता है कि जो ये गलत आपके साथ करके आए हैं, ठीक है, तो आप इतने आसानी से तो इनको माफ करने वाले हो नहीं, ओके, और इनको एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे आपको मनाने के लिए, आपको एग्री करने के लिए इनको एफर्ट्स तो डेफिनेटली डालने पड़ेंगे। सो वो चीज कुछ मैं आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ जहां पर ये बहुत कुछ स्पेशल आपके लिए करना चाहते हैं ताकि ये आपको मना सके, ठीक है, और इनसे भी नहीं झिल रहा है, मतलब आप जो साइलेंट हो, कोल्ड बिहेवियर जो इन्हें दिखा रहे हो ना, और अगर आपको ये लगता है ना, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी निकल कर आ रही है, इज दैट कि अगर आपको जरा भी ये लगता है ना कि नहीं आपको अब क्विट कर जाना चाहिए, आपको इस जर्नी में अब रहना ही नहीं है,
ठीक है, आपको मूव ऑन कर जाना है, ये पर्सन तो आपके बारे में सोचता ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचता है और बहुत प्यार भी आपसे करते हैं, ठीक है। वो अलग चीज है कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं आपको, लेकिन बहुत बहुत प्यार आपसे करते हैं ये, ठीक है। जब भी अकेले होते हैं ना, ये आपके बारे में ही सोच रहे होते हैं, आपकी तस्वीरों को देख रहे होते हैं, आपकी वीडियोस, अगर पिक्चर्स हैं इनके फोन में तो उनको देख रहे होते हैं, या आपको स्टॉक कर रहे होते हैं। पर ये जब भी अकेले होते हैं या खाली, मतलब खाली जब भी होते हैं, तो ये पर्सन तब तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि आपको स्टॉक ही कर रहे हैं। इनके अंदर ना एक एम्प्टीनेस आ गई है आपसे दूर जाने के बाद, मतलब अकेले अंदर क्या होता है, अंदर ना एक एम्प्टीनेस है, खालीपन है, ठीक है। और उनको लगता है ये खालीपन तभी भर पाएगा जब ये आपसे फिर मिलेंगे, ठीक है, या आप फिर से इनकी जिंदगी में आओगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इनके साथ थे, आप इन्हें प्यार दे रहे थे, आप इन्हें केयर दे रहे थे ना, तब तक इनके अंदर वो खालीपन नहीं था, लेकिन अब जब से आप इनसे दूर गए हो ना, इनके अंदर वो खालीपन भर चुका है। ओके, सो यस, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके पास, ओके, और अपने अंदर से उस खालीपन को खत्म करना चाहते हैं। चलिए कुछ इनके लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सो यहाँ पर आपके लिए हैं, आई हाइड माय टियर अंडर माय स्माइल। होता ना कि हंसता चेहरा है, ठीक है, चेहरे पे तो मुस्कुराहट इन्होंने रखी हुई है, लेकिन अंदर कितना रो रहे हैं ना, वो ये खुद ही जानते हैं। आई विल फॉरगिव यू, अगर ये किसी तरीके से आपकी वजह से हर्ट हुए ना, तो ये आपको उन चीजों के लिए माफ कर चुके हैं, ठीक है। हो सकता है सबके लिए नहीं हो ये चीज, बट ये आपको माफ कर चुके हैं अगर ये आपकी किसी वजह से हर्ट हुए हैं तो। इन्होंने पता है इतना मिस किसी को नहीं करा, कभी नहीं करा, मतलब आपसे पहले भी इनके रिलेशनशिप्स रहे होंगे, बट इतना मिस इन्होंने कभी किसी को नहीं करा। ये चाहते हैं आप इन्हें समझो, इनको अंडरस्टैंड करो, इनके साथ एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज करो, ये चीज आपके पार्टनर चाहते हैं, और इनको समझो। जब ये आपको देखते हैं ना, इनकी आंखें आप पर रुक जाती हैं, कि आपको देखना बंद ही नहीं कर पाते, मतलब आपसे नजरें नहीं हटा पाते हैं, आपके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट पर्सन फील कर रहे हैं। कोई कार्मिक पर्सन है डेफिनेटली इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से इनको रिस्ट्रिक्शंस फील होती हैं, बट यस, ये उस कार्मिक साइकिल को भी कंप्लीट कर आ रहे हैं, और ये रिग्रेट भी कर रहे हैं कि इतना प्यार था इनके दिल में, लेकिन पता है ये अपना प्यार आपको दिखाई नहीं पाए, इतने इमोशंस थे, इतनी फीलिंग्स थी, लेकिन कभी आपको दिखाई नहीं पाई, है ना। So, ये कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। सो अगर ये चीजें आपके साथ भी रेजोनेट हुई हैं, तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।